प्रदेश में कृषि निर्यात नीति का अनुसरण और क्रियान्वयन की मंडल स्तरीय समीक्षा मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुआ। कार्यों को सही ढंग से संचालित करने के लिए मंडलायुक्त के निर्देशन में मंडलों में एक समिति बनाई गई। बैठक में मंडलायुक्त ने कृषि, पशुपालन, मत्स्य, डेयरी, कुक्कुट के बारे में कार्यों की जानकारी ली और सभी विभागों के संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिया। कमिश्नर ने गोरखपुर जनपद को नेपाल से सटे होने की वजह से इंटरनेशनल एक्सपोर्ट का हब बताया। नेपाल को एक्सपोर्ट करने के लिए इस अंचल को विकसित करने के लिए निर्देशित किया और उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में चारों जनपद कृषि प्रधान है, जो भी कार्य योजना बने वह लोकल स्तर पर बने। उन्होंने कहा कि यहाँ पैकेजिंग और मार्केटिंग की स्थिति खराब है, कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है। चारों जनपदों में केला, गन्ना, मशरूम की खेती अच्छी होती है, इसलिए किसानों का उत्साह वर्धन करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, तो बेसिकली देखिए क्या है, आप अपना प्रेजेंटेशन मेरे जाने के बाद में चलाइएगा, तो आपको परिवहन पर कुछ इंसेंटिव होगा, पैकेजिंग पर होगा, मार्केटिंग पर होगा, क्लस्टर बनाएंगे तो कुछ बैंक लिमिटेड जैसी चीज़ें होंगी। अब दूसरी चीज़, गोरखपुर के इस अंचल में किस चीज़ का आप निर्यात करने की सोच रहे हैं? चारों जगह किस चीज़ का निर्यात हो सकता है जिससे उसमें हम ग्रुप्स को बनाएं, जिसे आप क्लस्टर कह रहे हैं, और उसमें हम कि आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनको चिन्हित करना चाहिए। और अब तो आप एक एम्बिशियस प्रोग्राम लेके आए हैं जिसमें कि आप हर ब्लॉक में एक एफपीओ की कुछ बात चल रही है। नाबार्ड है या नाबार्ड उससे पूछें तो एपेडा, यदि मुझे सीड और टिश्यू कल्चर इसके रिसर्च में मदद कर दे, यहाँ पर संस्थान है लेकिन एक हम एमओयू साइन कर सकते हैं सो दैट क्लाइमेट रेजिस्टेंट सीड बने। 2021 आज यदि चल रहा है तो 2022 में यदि हमें सीड की जरूरत है तो हम अभी से काम करना शुरू करें कि अच्छा इसरो की सैटेलाइट के हिसाब से ये प्रेडिक्शन है, ये प्रेडिक्शन के हिसाब से हमें ऐसे बीज की जरूरत होगी। जब हम ऐसा काम करना शुरू करेंगे तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। एक सीड पर और टिश्यू कल्चर पर हमें कैसे आप सपोर्ट कर सकते हैं? दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कोल्ड स्टोरेज का, मार्केटिंग का, उसमें कैसे मदद कर सकते हैं? कैसे हम अपनी मंडी को और आधुनिक मॉडर्नाइज कर सकते हैं? क्या मंडी में ही हम कोल्ड, आजकल कोल्ड स्टेज का कॉन्सेप्ट भी मैंने कुछ प्रदेशों में देखा है, बड़ा इट हैज गॉन अंडर चीन। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े सिनेमा हॉल टाइप के बन रहे हैं, दे आर वेरी स्मार्ट कोल्ड स्टोरेज, वेरी हैंडी कोल्ड स्टोरेज, और जिसको बहुत कम दाम पर जो है किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। हम छोटा प्रयास करें, अनुभवी प्रयास करें। देखिए बेसिकली जो हमारी उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात 2019 की पॉलिसी माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प के कारण आई है, उसमें निर्यात नीति का क्रियान्वयन एवं अनुसरण कैसा हो रहा है उसके लिए मंडल स्तर पर मंडलायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है जिसे कृषि निर्यात निगरानी समिति कहते हैं। यदि हमारे मंडल में जो है ये कृषि प्रधान मंडल है और इसमें बेसिकली कैश क्रॉप हमारी केला, गन्ना सब हो रही हैं। इसके अलावा भी मंडल के कई उद्यमी कृषक हैं जो सब्जियां उगाते हैं, मशरूम उगाते हैं, हल्दी कर रहे हैं, अदरक कर रहे हैं और इसके साथ साथ काला नमक भी का उत्पादन हो रहा है। प्रयास अब हम लोग का ये है कि जो इनकी समस्याएं हैं, एक तो हम क्लस्टर बनाएं एफपीओस के माध्यम से और उस क्लस्टर को ट्रेनिंग का सपोर्ट हो, पैकेजिंग का सपोर्ट हो, उन्नत बीज का सपोर्ट हो जो कि क्लाइमेट रेजिस्टेंट हो, ट्रांसपोर्टेशन में मदद मिले और इनको बॉर्डर पार करने में, जो स्पेशली यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर है, लाइसेंसिंग और जो भी कस्टम से कोई प्रॉब्लम ना हो उसके लिए एक हमें सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है। आज की मीटिंग में हमने निर्णय ये लिया है कि हम लगभग 8 से 10 क्लस्टर इमीडिएटली बनाएंगे। क्लस्टर 2-3 क्लस्टर हमारे कृषि क्षेत्र से होंगे, एक डेयरी क्षेत्र से होगा, एक फिशरी से होगा, एक हमारा टिश्यू कल्चर और बनाना से संबंधित होगा, एक हमारा गन्ने से संबंधित होगा और एक पोल्ट्री से संबंधित होगा। और इन क्लस्टर को हम एपीडा के माध्यम से, आज भारत सरकार एपीडा की एजेंसी के लोग भी आए हुए हैं, उसके माध्यम से हम पहले एक्सपोजर विजिट कराएंगे, पैकेजिंग और जो सारी नवीन चीज़ें हैं उनके बारे में बताएंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि हमारा जो निर्यात है इस मंडल से वो बढ़े और जो हमें एक सौभाग्य प्राप्त है कि हम इंटरनेशनल बॉर्डर के पास में हैं उसको हम यूज़ करके यहाँ से कृषि का निर्यात बढ़ा सकें।